के लिए कौन सी टाइल्स लगानी चाहिए, चाइना मैजिक की टाइल्स लगानी चाहिए या फिर पूरी टाइल्स लगानी चाहिए। तो आज हम बात करने वाले हैं कि जो अपना ओपन टेरेस होता है, जो छत, उसमें कौन सी टाइल्स लगानी चाहिए। तो जो वीडियो में नए आए हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना भूलना मत। तो वीडियो चालू करते हैं। तो सबसे पहला कन्फ्यूजन होता है कि जो छत आती है तो छत में कौन सी टाइल्स लगाए, क्योंकि जो सबसे ज्यादा मकान में जो चीज यूज होने वाली है वो होने वाली है ओपन टेरेस की टाइल्स। क्योंकि जो सबसे ज्यादा जो टाइल्स में क्या होता है कि जो हीट, जैसे गर्मी में ठंडी में सबसे ज्यादा जो उसमें यूज होने वाला है वो होता है चाइना मैजिक की टाइल्स। तो चाइना मैजिक की टाइल्स में कौन सी साइज की टाइल्स लगानी चाहिए, जो सबसे जो ज्यादा यूज होती है वो साइज आती है 8x12 की टाइल्स। इसको व्हाइट कलर की टाइल्स बोलते हैं और ये बॉडी आएगी वो सिरामिक बॉडी आएगी। और दूसरा जो टाइल्स आता है उसमें आता है एक साइज आता है 16x16 का। अभी चाइना मैजिक में क्या होता है, चाइना मैजिक में जो आपका बजट कम है तो उसमें आप चाइना मैजिक की टाइल्स यूज कर सकते हो, क्योंकि उसको तोड़ के लगाना पड़ता है, इसको आप पूरी नहीं लगा सकते क्योंकि पूरी में क्या होगा ये टाइल्स निकल जाएगी। और जो आपका बजट थोड़ा अच्छा है तो आप ये 16x16 की टाइल्स है ये आप यूज कर सकते हो। इसमें क्या होता है, इसमें आपको बीच में थोड़ा जगह रखना पड़ेगा, जैसे 3 mm, 4 mm, 5 mm की जगह रख के लगाना पड़ेगा और इसको तो तोड़ के लगाना है। पर चाइना मैजिक में मेन प्रॉब्लम क्या होता है कि चाइना मैजिक टाइल्स में 2 साल, 3 साल, 4 साल के बाद इसमें वो इसका कलर है जो ग्लेज वो निकल जाएगा, इसकी वजह से पानी अंदर आएगा। और जो 16x16 की टाइल्स है इसमें आपको जगह रख के लगाना पड़ेगा, जैसे 3 से 4 mm। तो इससे क्या होगा कि ये टाइल्स कभी भी फ्यूचर में निकलेगी नहीं, और लगने के बाद उसका लुक अच्छा आएगा। और अंदर का जो आपका टेम्परेचर है, जो मकान का अंदर का, वो 3 से 4 डिग्री टेम्परेचर कम रखेगा। तो ये सोच आई जाएगी 16x16 के। पर इसमें कंपलसरी आपको बीच में 3 से 4 mm या 5 mm जगह रख के लगानी पड़ेगी, नहीं तो ये टाइल्स निकल जाएगी। बाकी कुछ यूट्यूबर बोलते हैं कि बड़ी साइज की 2x2 की, 4x2 की टाइल्स लगाए, वो गलती से भी 2x2 की या 4x2 की टाइल्स लगानी ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो गर्मी ठंडी और उसकी वजह से ये टाइल्स निकल जाएगी। बाकी आप बड़ी से बड़ी 16x16 लगा सकते हो। और उसमें आप कलर हमेशा व्हाइट कलर की टाइल्स लीजिए। व्हाइट कलर की टाइल्स से क्या होगा, अंदर का आपका जो टेम्परेचर है वो कम रहेगा और अंदर ठंडक रहेगी। और चाइना मैजिक की टाइल्स भी आप लगा सकते हो, पर जो अच्छा लुक आएगा वो 16x16 में आएगा। इसमें आप जो जगह रख के 3 से 4 mm या 5 mm इसमें जगह रख के इसमें आप एपोक्सी भी लगा सकते हो। एपोक्सी भी अच्छी क्वालिटी की लेनी चाहिए, क्योंकि वो लोकल क्वालिटी की वजह से वो कलर उसका चेंज हो जाएगा तो पानी अंदर आएगा। तो ये थी जानकारी चाइना मैजिक की टाइल्स के बारे में, कि छोटी टाइल्स लगानी चाहिए, बड़ी टाइल्स। ये वीडियो आपको कैसा लगा मेरे को कमेंट करके बताना, और ऐसे वीडियो के लिए चैनल पर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना भूलना।